करना जो भी है भाई चैनल पे नए। ये तो बहुत ही ढीला है। ये तो क्या जरूरत भाई, ये ढीला भालू बहुत बड़े वाला स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ में ना। इनको पता थी यहाँ पे स्नो नहीं है, ट्रैवलर वालों ने करवाया जो भी करवाया है। इधर इधर आप एक कॉफी पीती हो रोड पे 20 रुपए की, एक कॉफी पीती हो स्टारबक्स में, परफेक्ट। अब आप तो भाई ये कोई बात नहीं है, आप पहले मोमोज का वो दे रहे थे। आज 6:30 पे अमाउंट उठा दिया गया है, हम अभी चेकआउट करने वाले हैं भाई। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ मैं, अब करनी है हमें पैकिंग। पैकिंग हो चुकी है हमारी पूरी, लेट हो गए हम। एक मिनट, घंटी बज गई, कोई आ गया है भाई, आ गया है भाई बुलावा बैग नीचे रखने का। तो भाई अंजू सबको गुड मॉर्निंग बोल दे भाई मनाली से। गुड मॉर्निंग देख रहे हो बर्फ सबको भाई, मनाली से नई बर्फ लग नहीं रहा पड़ी है पर बर्फ जमी हुई है। तो आज हम कवर करने वाले हैं सोलांग वैली कवर करेंगे, और वहाँ पे जो स्नो एक्टिविटीज वगैरह होंगी जितने भी होंगी वो सारी हम कवर करने वाले हैं। सारे आ चुके हैं भाई, बस निकल गया है अभी स्नोफॉल देखने के लिए। तो अभी हम उतरे हैं यहाँ पे चाय वानी पीते हैं और हम ड्रेस वगैरह लेते हैं अपनी, और ड्रेस यहाँ पे 250 रुपये लिखा हुआ है, डांगरी कहते हैं सर, डांगरी सेट। तो यहाँ पे भाई ड्रेसेस देखो कितनी सारी लग रही हैं, बच्चों की भी हैं, ये है बच्चों की, बॉयज की। तो भाई यहाँ सारे ट्राई कर करके देख रहे हैं अपने कपड़े कौन से भाई चाहिए। ये हमारे एल्विश भाई माहौल बनाते हुए रात में। ये तो बहुत ही ढीला है। ये तो क्या जरूरत भाई, ये ढीला भालू ही ढीला है। सो व्हाट भाई, ये वाली ड्रेस है मेरी, एक बार बताओ आप कमेंट करके कैसे लग रही है। आइस स्केटिंग है, आइस स्कीइंग अनलिमिटेड रहेगा, आइस स्कीइंग हो जाएगा, याक राइड है, ट्यूब स्लाइड है और जिप लाइन है। जिप लाइन देगा 1 किलोमीटर का अप एंड डाउन, ठीक है, जो भी करना है 1000 रुपीज पर एक्टिविटी है, ठीक है, 4000 का 4 एक्टिविटी का पैकेज है पर पर्सन का। उससे पहले मैंने हाथ भी नहीं लगाया। गाड़ी में थोड़ा सा टेंशन का माहौल है भाई, सबके पैसे खर्च हो गए। जेब ढीली, कोई हंसी नहीं रहा, जेब ढीली हो गई और ये टाइट। सबसे ज्यादा कम हाथ पास रहे हो, सबसे ज्यादा कम हाथ पास रहे हो, हमारे डबल गए हैं ना, शादी कोर्ट ने बोला कौन था, हमारे डबल गए से ज्यादा लगता है यार। और सारे जिप लाइन करके भाई बड़े मजे करने वाले हैं भाई। अंजू का नंबर आ गया, अंजू जाने वाली है। यो भैया, यो भाई सब्सक्राइब कर लो, जो भी है भाई चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आ रहा है भाई। ये तो जन्नत है बॉस, ये ही है जन्नत। ओ भाई क्या हो गया भाई, तो ये फिर लगेगी
तो भाई आ गया। तो भाई फाइनली हो गया मेरा एडवेंचर। यहाँ से देख लो भाई कितने कितने किलोमीटर दूर है। पूरा लंदन टू मक्का। सोलांग गांव पहुंच चुके हैं भाई, सोलांग वैली में। यहाँ पे आंटियों की चल रही है कीड़ी पहाड़ी। तो भाई यहाँ से पुलिस वाले आगे नहीं जाने दे रहे क्योंकि आगे भाई स्नो वगैरह हो रही है, तो भाई फोर ही जाएंगे। तो यहाँ भाई थोड़ी भसड़ हो गई है। अब ये कह रहे हैं 4x4 ही जा सकती है आगे अगर तुम्हें बर्फ में स्की वगैरह करनी है। और अभी बुक करके लेके आए थे मैं वहाँ से कि स्की वगैरह हम कराएंगे सारी चीज़ें, तो अब यहाँ तो बर्फ है ही नहीं भाई वैसी वाली, तो कहाँ से कराएंगे। ये स्कैम हो गया भाई, स्कैम हो गया हमारे साथ। ये कह रहे हैं हमें स्की कराएंगे भाई, स्की के यहाँ तो बर्फ ही नहीं है कहाँ कराएंगे। अब ये कह रहे हैं आगे 13-14 हज़ार रुपये की गाड़ी होगी 4x4, तो वहाँ जाओ आगे तब जाके होगा। तो यार ये चीज़ें अभी हम कोऑर्डिनेट करते हैं, बात करते हैं भाई जिनके साथ में आए थे। ये भाई यहाँ घोड़े वगैरह मिल रहे हैं, तो अभी सबका भाई मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम यहाँ स्की वगैरह कराएंगे, अब ये बोल रहे हैं नहीं आपको 4x4 लेना पड़ेगा जो कि आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में मिलेगा। भाई स्कैम हो गया है सबके साथ में यहाँ पे। तो भाई भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो अभी हम ले रहे हैं एक पराठा और एक प्लेन मैगी। दिमाग की ना दही हो गई है पूरी। 2-3 घंटे से हम ये कर रहे हैं गाड़ियों का जाना आना, जाना इसमें जाना है उसमें जाना है इसमें जाना है उसमें जाना है। भाई बहुत बड़े वाला स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ में ना, इन्होंने बस अपने चक्कर में हमारे भी पैसे लगवा दिए। इनको पता थी यहाँ पे स्नो नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें नीचे से भाई ट्रैवलर वालों ने करवाया है, जो भी करवाया है इनकी सारी मिली भगत है भाई, क्या करें। स्कैम कितने, हाँ भाई कितने बड़े बड़े स्कैम हैं ये सारे स्कैम की ना, एक एंड में वीडियो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे भाई रोप वे जा रही है ऊपर, वहाँ पे जा सकते हो घूमने के लिए, और हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे जो हमारी गाड़ी हो रही है वहाँ पे हम जा रहे हैं 6,000 में 9 बंदे। और अभी हमारी लड़ाई हुई थी उनसे ही, हमारे जो कोऑर्डिनेटर साथ थे वो कह रहे कि भाई मैं तुम्हारा कोऑर्डिनेटर ही नहीं हूँ, ठीक है वो कह रहा मैं तुम्हारा कोऑर्डिनेटर ही नहीं हूँ भाई, फिर आया क्यों भाई जब हमारे कोऑर्डिनेटर ही नहीं हुआ। तो भाई अब यहाँ पे 5 बंदे 5,000 रुपये ले रहे हैं, 1,000-1,000 रुपये पड़ रहे थे, तब हमारी उस बात को लेकर लड़ाई होगी। दसी तो हैं बहुत ज़्यादा भाई, दिमाग की ख़राब है, दिमाग ख़राब है बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई जी वो ट्यूब राइड है ना, तो यहाँ पे ये है आपके 500 देंगे इसके यहाँ से यहाँ तक लाने के, तो भाई मत कर लेने गलती से भी ट्यूब राइड वाली जंपिंग वाली है जो पंजिंग जंपिंग बोलते हैं इसको। तो अगर ये भी करोगे तो 500 रुपये का एक बार में जाएगा बस ऊपर, फिर इतना नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी भाई देख लेना अगर तो आपके पास पैसे हो तो कर सकते हो, नहीं अभी हमने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है भाई शिवलिंग के लिए। भैया फिर उनको कहाँ करवाओगे आप? तो हम वहीं जा रहे हैं अभी ऊपर, ये डिसाइड हुआ है हम सबका, तो हम जा रहे हैं। ये भाई स्नो देखो, ये स्नो, हम जा रहे हैं अभी ऊपर सारे। तो भाई बिल्कुल एकदम ना खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, 4x4 ट्रक जा रहे हैं और इस तरह के भाई घोड़े जा रहे हैं। देखो भाई लोग 4x4 ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेके, देखो भाई टाटा नेक्सॉन
एक ये जा रही टाटा नेक्सॉन, ये तो भाई चढ़ गई, उस भाई ने रोक दी होगी थोड़ा बीच में, ये अभी चढ़ाएगा भाई। तो भाई अभी हम रुके हैं, रेस्ट लिया हमने 2 मिनट का, तो अभी बस जाने वाले हैं ऊपर। और वाह कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। अब तो भाई थोड़ा ऊपर आ गया और मैं पहली बार छूने वाला हूँ भाई बर्फ को। अभी तक सिर्फ ग्लास में छुई है, अभी तक अभी तक भाई ऐसी छुई है। वाह तेरी भैंस की टांग, रुक जा। नहीं ये ले भाई, ये सरक के आती है क्या? अरे स्नोफॉल होती है, ये स्नोफॉल होती है। तो भाई पहली बार बर्फ कुछ हुआ है मैंने, जो बर्फ होती है ठंडी नहीं है उतनी, ठंडी है ही नहीं यार, पता है भी ना तो उसे आपके लग नहीं रहे, वहाँ पे -6 हो रहा है भाई साहब। लोकेशन देखो, जन्नत है, बहुत जन्नत। ये देखो भाई एकदम बिल्कुल ट्रैकिंग वाला रास्ता, व्यू देखो भाई, जन्नत में है, बिल्कुल जन्नत में। बारिश शुरू हो गई है भाई यहाँ पे, स्नो हो रहा है, स्नो लग रहा है, अब जल्दी हो जाएगी यार, ऐसा ना हो रात को है। हाँ रात को है, वो कह रहे हैं अगर 1-2 घंटे रहेगी ऐसी बारिश तो हो सकती है स्नो अभी। तो अभी हम ऊपर बस जस्ट पहुँचने वाले हैं, कितने सारे लोग बैठे हुए यहाँ पे और बारिश तो भाई पड़ी रही है, स्नो हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो फेस पे भी महसूस हो रही है ठंडी ठंडी ना बारिश की वजह से। ये देखो भाई ज़िपलाइन हो रही है, हमें जो करवाई एकदम भाई बेकार वाली ज़िपलाइन करवाई, और यहाँ की जो ज़िपलाइन है भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ से जा रहे हैं वहाँ भाई, इतनी दूर तक है, यहाँ की जो ज़िपलाइन है बहुत बढ़िया है। आओ तो ये शिव मंदिर कौन सा है यहाँ पे आके जिन करना गई। ये देखो भाई बैठ गई, इसकी तो हवा निकल गई, ये बढ़िया था गुरु। भाई साहब यहाँ देखो सारे घोड़े वोड़े आके भाई यहीं रुक गए हैं, उससे आगे भाई तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। ये मिताली भाई यहाँ बैठी है, कभी ये गुस्सा करती, अब दे अब हंस रही है, वही समझ नहीं आता इसका, मतलब 1 मिनट में मूड स्विंग पूरा। चल 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 चल, यहाँ पे देखो भाई मैगी वगैरह बन रही है दबा के, मैगी वेजिटेबल नूडल्स भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ये देखो भाई बर्फ़ आ गई है, अब बर्फ़ पे हमने चलना शुरू कर दिया है, बर्फ़ पूरी गंदी हो रखी है यहाँ पे ना, चल चल के लोगों ने पूरी भाई बर्फ़ गंदी कर रखी है। ये भाई फाइनली भाई रहने दे, ऊपर ऊपर करेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर, ओ घुस गई, घुस गई भीतर, ये साफ नहीं है ना बर्फ, अच्छा ये थोड़ी जमी वाली है। हाँ ऊपर चलो, ऊपर 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 ऊपर, और है मस्त ऊपर, मस्त बर्फ है। हाँ तू तो मेरे को ही पकड़ के चढ़, बस कहीं भी हो कहीं हो मेरे को पकड़ के चढ़ेगी। ये बॉटल दे दे मेरे को, तेरे पास की नहीं आल। आ गया स्वाद, वाओ
अभी हम करने वाले स्किंग वगैरह अंजनी महादेव मंदिर है। अंजी स्किंग कर रहे गाइस कौन ये? अच्छा वहां से ट्यूब राइड वहां तक वहां से भाई ट्यूब राइड अरे छोड़ना ऐसी रगड़ के आ जाएंगे वहीं से। उनको बता रहे 500 रुपए लिए हैं। 500 रुपए लिए जो नीचे। अब वही वही तो वहाँ से कुछ और यहाँ का कुछ और। यार ऊपर नहीं मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। मेरा हाथ पकड़ लेना। ओ बर्फ चाट ली, बर्फ चाट ली। अरे आना मजे यार। ये अंजू भाई सेटिंग कर ली। अरे चल तो सही तू यार। ये और क्या ऐसी तो सीखेगी। तो भाई कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना और जो है नया चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो अंजू अंजू पीछे कर रही है। ये चल 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 चल। आ गया मजा। हाँ भाई कैसा रहा है एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस सही है। हाँ कैसा लग रहा है? पता नहीं ये क्या मतलब होता पता नहीं। तो भाई अंजू की इसकी हो चुकी है। हाँ हम दोनों साथ में करते पर वीडियो वगैरह नहीं बन पाती, इसलिए अब अंजू मेरी वीडियो बनाएगी और मैं करूँगा स्की। भाई ये 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 देखो कितने बड़े बड़े शूज हैं। ये देखिए मेरे को टक्कर मत मार देना। एक एक इसने किया, मैंने मैंने किया। तो भाई जो भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये देखिए देखिए मजा है। कैसे बुड्ढों की तरह चल रहे हो भाई? अरे बुड्ढों नहीं अभी ऊपर है ना वहां से। मेरा स्टंट देखा था पीछे की तरफ मैं कैसे मुड़ी थी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं सब क्योंकि भाई आओ तो एक्टिविटीज करके जाओ, एडवेंचर्स करके जाओ तभी मजे हैं। भैया पकड़ने वाले चले जाओ यार, गिर जाएंगे नहीं तो। मेरे पति इकलौते हैं, इकलौते पति है मेरे। ओ फंस गई मैं तो, ओ फंस गई। तो भाई देखिए अब बड़े मजे आ रहे हैं इनको, है ना? देखो बड़े मजे आ रहे हैं ना भाई। देखिए इनका मन ही नहीं कर रहा उतरने का ना इससे। अरे भाई पैसे वसूल। हाँ मुझे मत गिरा देना भाई, पूरे 600 रुपए वसूल करना दोनों के। भाई यहाँ पे ना इतना तगड़ा स्कैम चल रहा है ना, पता है क्या हो रहा है? हम ऊपर आए ठीक है, यहाँ पे 300 से भी कम में आप ये चीज कर सकते हो। हाँ अराउंड 200 रुपए में कर सकते हो। आओगे ना ट्रैवल एजेंसी के थ्रू किसी के थ्रू, भाई आपसे इतना लूटेंगे ना पैसे। हमसे 550 रुपए लिए हैं पर बंदे का, 550-600 रुपए। हाँ और यहाँ पे आके ये लोग 200 रुपए में करवा रहे हैं। और जो एक बंदा नॉर्मल से नॉर्मल बंदा कितना करेगा?
कितना करेगा? आधा घंटा कर लेगा, इतना ये खुद यहाँ पे करा रहे हैं। 300 रुपए भी कम करवाने के लिए कह रहे हैं, आप बताओ कितने में करोगे? भाई स्नोफॉल चालू हो गया, स्नो हो रही है यार, यार देखो स्नोफॉल चालू हो गई। तो भाई देखिए स्नोफॉल, हमारा आना सक्सेस हो गया। तो प्रियंका बिना पैसों के स्नो मिली ना ऊपर जाने के लिए, हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े ऊपर जाने के लिए। हाँ यही रुकेंगे आराम से। पता है इस ब्लॉग में आई सेड ओनली हाय 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 हाय। यार भाई देखिए स्नो हो रही है भाई साहब, स्नोफॉल चालू हो गई है। ये भाई पैसा वसूल, भाई स्नोफॉल हो गया। अंजू हाँ इधर 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 इधर, भाई स्नोफॉल हो गया। तो जो भी नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घर वालों की कॉल, वाओ चलो ऊपर चलते हैं हम। वीडियो बना रहा हूँ मैं भाई, स्नोफॉल हो गया फाइनली, आना सफल हुआ। अंदर घुस गए, अंदर घुस गए। और भाई बहुत ठंडा लग रहा है, अंदर घुस गया भाई। फोन पे भी कैसे लगा जो स्नोफॉल देख के? यार मजे तो आए पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो पाई, पर भाई एक हफ्ते से यहाँ हुई नहीं। हमें हाँ हाँ वाह, हाँ भाई हमें स्नोफॉल मिल गई और आपको भी देखने के लिए मिल गई है। देखो भाई सीढ़ियाँ पूरी बर्फ जमी हुई है, यहाँ से कोई खिसल के जाएगा ना भाई नीचे तक ही जाएगा पूरा। जूते इतने ज़्यादा ठंडे हो गए ना नीचे से भाई, बहुत ही ज़्यादा वाले ठंडे हो गए। हाँ जी मेरे गल वाले फोन ही नहीं उठा रहे। ये वीडियो कॉल करने के लिए बोल रहे कि वीडियो कॉल कर लो, आपको स्नो वगैरह दिखा देते हैं, पर वो फोन ही नहीं उठा रहे भाई घर वाले। तो भाई हमें बहुत मजा आया। अंजू तेरे को आया मजा? बहुत। अब हम जा रहे हैं भाई यहाँ से नीचे अपने कैंप की तरफ। अभी जाएंगे होटल, होटल से भाई हमारा कसौल के लिए अभी निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे निकलते हैं, पर निकलेंगे आज निकलेंगे। सीढ़ियों पे पूरी जमा हो रखी है भाई, तो अभी हम जा रहे हैं भाई नीचे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठंड पैर हो गया पूरा बहुत ज़्यादा। तो अभी आ चुके हैं हम काफ़ी नीचे, बस अपने पार्किंग की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे भाई हमें मिला है चार्ली। हमने रखा है नाम, हाँ इसी का नामकरण कर दिया, और ये चल रहा है कंटिन्यूअसली। हाँ ये साथ में चल रहा है। तो अभी हम नीचे आ चुके हैं पार्किंग की तरफ, तो अभी जाएंगे हम होटल, फिर वहाँ से अभी देखते हैं शायद कसौल के लिए निकले, हो सकता है हमारा डिनर भी यहीं पे हो जाए। तो ये हमारे रोहित भाई फरीदाबाद से, अरे यार राहुल, राहुल भाई हमारे, राहुल भाई है फरीदाबाद से ही, तो पंजाब से। हाँ ये भाई मिल के अच्छा लगा, फरीदाबाद से हैं सारे। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम अपनी बस के पास में, ये हमारी बस यहाँ पे, और आ गए हम, अभी चलते हैं अंदर भाई, थक गए हैं पूरे हम।
यहाँ पे 300 रुपए की राइड मिल रही थी, वहाँ पे हमें 600 की राइड मिली। टाइम ही वेस्ट होगा, यही बात करके डबल पूरा। तो मैडम वही है। हाँ तो ठीक है, आप रुकना मत ना, रुकने की जरूरत रुकने का जरूरत ही नहीं है भैया। गाइड ने क्या बोला आपसे? अटल टनल के पास में एक्टिविटी होगी, ऐसा बोला गाइड? हाँ जी, यही बोला था, यही बोला। इसलिए जब दो गाड़ी निकली अटल टनल के पास एक्टिविटी होगी, ऊपर होगी जब वहाँ पे सारे कट्ठे ग्रुप चलो ना, फिर होगी। अब मैं शॉर्ट में, एक सेकंड, अब मैं सबसे शॉर्ट में बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, पहले एक एक की बात सुन लो पहले। हेलो अंकल, ऐसे ऐसे लड़ाइयां होंगी, एक सेकंड सुन लो, अब मैं बताता हूँ। आपने बात बोली ना, दो गाड़ी अटल टनल के पास जाने वाली थी, इन्होंने बोला कि अटल टनल के पास में आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। हम लोग दो गाड़ी किए, एक गाड़ी हम लोग की निकल गई, हम लोग निकल गए सारा, दूसरी गाड़ी ये लोग नहीं आए, मतलब रुके नहीं, हम लोग वहाँ वेट किए कि अब आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम लोग अपना स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं, आ जाएंगे तो हम लोग अपना काम करेंगे, आए नहीं। अब मेरी बात सुनो, अभी गाइड आपके पास दो गाड़ी लेके गया, उसने क्या बोला, अभी दोनों गाड़ी एक साथ ले जाऊंगा तो वहाँ पे एक्टिविटी करा दूंगा। हम लोग को तो बोला कि ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, आप लोग निकलो, हम निकल रहे हैं। अगर आप गाइड लेके जाते, मेरी बात सुनो, आप अपनी गाड़ी में गाइड लेके जाते तो आपकी एक्टिविटी हो जानी थी, पीछे वाले रुक जाते तो पीछे वाले रुक जाते। बात तो वही ना, एक गाइड कहाँ गया, आपने दो ग्रुप बना दिए, इसमें गलती किसकी है? ग्रुप रुक गया ना, तो आप साथ में जाते दोनों एक साथ। 15 बंदे एक मिनट भैया, दूसरी गाड़ी रुक गई, दो गाड़ी थी तो दोनों साथ में जा रही थी। हाँ, दो लोगों को आना था, ना ट्रॉली में लगाया ना गाड़ी लगाया। सेकंड हम जो 9 हम गए ही नहीं। अरे हाँ, हम नहीं गए। हाँ, और यहाँ पे आपने 1000-1000 की एक्टिविटी बताई, वहाँ पे 300-200 रुपए में ट्यूब ये सब। इधर इधर आप एक कॉफी पीती हो रोड पे 20 रुपए की, एक कॉफी पीती हो स्टारबक्स में, ठीक है? अब आप तो भाई पहले ये अंकुर भाई, ये कोई बात नहीं है, आप पहले मोमोज का वो दे रहे थे, आप कह रहे थे मोमोज का ऑप्शन वो दे रहे थे, वहाँ पे आप मोमोज खा सकते हो 100 रुपए के, यहाँ पे आप ये नहीं दे सकते। आपका ना, आपका ये काम था सबको इकट्ठे करके, भाई इतने लोग जा रहे हैं, सबको एक साथ लेके जाना था आपको, आपने सीधा मना कर दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी भी हायर की दो, गाड़ी भी बकवास बोलता है। आप एक गाड़ी में, सुनो, आप एक गाड़ी में 5 बंदों को ले जा रहे हो और बोल रहे हो 1000 रुपए दोगे आप, एक में 7 बंदे ले जा रहे हो। अपने गाड़ी वाले से क्या बात की, कहाँ के आधे लोग बीच में रुक गए, इसमें हमारी कोई गाड़ी वाले से गलती वाली बात नहीं है। पहले तो गाड़ी का लगता है, वो गाड़ी वाले ने क्या बोला, बोलो उनको अटल से पहले, हम लोग अटल के बाद बोल रहे हैं, आप बाहर छोड़ने वाला था, हम लोग खुद गाड़ी का सोच रहे हैं, हम लोग 5000 में। एक मिनट मैं बता दूं आपको, ये अटल टनल गाड़ी क्रॉस करती नहीं, आज 10-20 हजार में गाड़ी लेता है, वो भी क्रॉस नहीं करती। पुलिस वाले हैं ना, 7000 हम अटल के आगे गए, हम लोग क्या ऐसे गए, हम लोग गए 7000 रुपए का हम आगे गए, ये पीछे से बैठ के 4x4 गाड़ी तो 7000 रुपए में पुलिस ने हमें नहीं रोका, तो अभी इनको सिर्फ रोक दिया, आगे गाड़ी रोक रही है नहीं रोक रही, हमें कौन सी गाड़ी को रोक दिया, आपने पकड़ भाई, आपने बोला रोक देती है, हम लोग का कोई नहीं रोकी गाड़ी, 9 किलोमीटर ये वाली तो चल, ये वाली थी नहीं। हाँ ब्रो कम ऑन, स्टारबक्स का कंपैरिजन आप इधर से करा रहे हैं, पैसे होते तो हम भी पीते हैं, उसका कंपैरिजन तो अगर आप स्टारबक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो नहीं, अरे आप एक बार हम लोग से पूछ लेते हैं, आप लोग गाड़ी लेके कहाँ जाने वाले हो, आप स्टारबक्स की बात कर रहे हो ना अंकल जी, एक मिनट स्टारबक्स की बात कर, बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ, भाई अपना बात कर लो, अपना बात कर लो भाई, एक सेकंड, हम लोग एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे हैं कि आप 500 हमसे चार्ज किया और 300 में ऊपर हुआ, 200 रुपए नहीं मांग रहे, जो हम लोग की हो ही नहीं एक्टिविटी उसकी वापस दे दो, तो बोल रहे नहीं देंगे, होती नहीं, ठीक है तो लो चलो, बस बात करते हैं, कितने उसी का मांग रहे जो नहीं दिए। तो भाई हम सारे पहुंच गए होटल, अभी हमारा जो ब्रेकफास्ट था अभी वो लंच से कन्वर्ट हो गए डिनर पे आ गया, तो अभी हम कुछ खा पी लेते हैं, भूख लगी है क्योंकि अभी हमें निकलना है कसौल के लिए, तो आज है खाने में सैलेड, और ये क्या है जो ये भटूरे ये भटूरे है कड़क भटूरे है। हाँ। गरम है, गरम तो है बट ये भटूरे हैं हमारे, और इसके अंदर है छोले, और ये आपको सैलेड वगैरह चाहिए तो वो है, और वही उस दिन वाला पनीर छोले और कुछ है, तो ये है अभी का खाना।
भाई सबका अभी खाना पीना हो चुका है, अब अभी निकलने वाले हैं कसौल के लिए और भाई साहब वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करेंगे, बॉनफायर होगा, वो देखना पड़ेगा म्यूजिक बॉनफायर होता है या नहीं होता है। तो अभी भाई चेकआउट का टाइम आ गया, सारे अपनी गाड़ियों में बैठ के जाने वाले हैं कसौल के लिए। तो हमारे भाई भी सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, हाँ करो सर्च करो और आप भी कर लेना भाई सब्सक्राइब, ये ऊपर वाले ये ऊपर वाले यही भाई ये आ गया सब्सक्राइब करने का बटन, ये एक बार और क्लिक करो वहीं पे, शेयर कहाँ से करते हो बताओ, सब्सक्राइब पे करो एक बार क्लिक, हाँ ऑल पे कर दो भाई, शेयर आज बढ़ने चाहिए फॉलो, पाँच आ रहा है आपको मतलब। तो अभी हम बस में आ चुके हैं भाई सारे अंदर, कहाँ पे निकलने वाले हैं हम अभी कैंपिंग करने, कैंपिंग के लिए भाई निकलने वाले हैं हम सारे, तंबू गाड़ेंगे तंबू में, आज हम भाई सारे तंबू में रुकने वाले हैं भाई, हमारे अलविश भाई आगे बैठ गया जो कि आपको दिन में दिखाएंगे, ये है भाई टेंट वगैरह, इनमें आज रात हम स्टे करने वाले हैं। व्लॉग को भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, म्यूजिक वगैरह भी है तो मजा आएगा बॉनफायर में। तो हम जाने वाले अपने अपने टेंट के अंदर, तो भाई बॉनफायर यहाँ पे चल चुके हैं अभी, इधर ही फाइव नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है फाइव नंबर, अच्छा इधर ही मजा आएगा, अभी अभी आते हैं बाहर जल्दी से रख के आप, फाइव 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 विंडो तो बंद करनी पड़ेंगी, हाँ ये तो करने पड़ेंगे, बाकी अपना उनका सामान दिख रहा है, हाय सुमित, ये है भाई हमारा कुछ आज का स्टे, कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताओ भाई, जो सुकून मिल रहा है ना वो सुकून ही अलग है, शिमला में करते ना, ये डीजे अभी शुरू करने वाले हैं हम सारे, वाह मजा आ रहा है भाई बैठ के, एकदम अच्छा लग रहा है, ये मास्टर जी यहाँ पे डंडा लेके बैठी है मैडम जी यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है, अभी जो ठंड थी ना वो निकल गई, अभी अभी भाई गर्मी लग रहा चालू हो गया थोड़ा, ये भाई मस्त है, हाँ मैं अंजू, कैसा लगा तेरे को मेरे साथ आगे घूमने को, मैंने बोला तेरे को इधर आने का तो आने का, तो अच्छा लगा ना तेरे को, मैं इसको मना रहा कब से, दो महीने से मना रहा मैं इसको भाई इधर आने का तो आने का, ये सेमड़ी तो भाई अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, देखते हैं आज क्या क्या है हमारे डिनर में, यहाँ पे देखो ग्रुप के सारे झूला वगैरह झूल रहे हैं कहाँ पे है खाने पीने का, अंदर ही है, अच्छा इधर ही है भाई हमारा आज का जो डिनर होगा, तो यहाँ पे बैठ के खाने का भी है, अगर जिनको बैठ के खाना खाना है मतलब इनका जो पुराने स्टाइल में खाना खाना है तो वो खा सकते हैं, नहीं तो भाई इधर बैठ के तो खा ही सकते हैं। तो आज खाने के हमारा भाई यहाँ पे ये है रायता, जो कि वेजिटेबल रायता है, और यहाँ पे छोले हैं और पनीर है, और यहाँ पे सैलड, और ये दाल मखनी, वाह तो भाई हम सब ने कर लिया डिनर अपना, अब भाई नींद आ रही है, अब सो जाते हैं, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और नए व्लॉग में, ओके टाटा बाय बाय।